हट जाओ मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज हट जाओ। नहीं प्लीज मत करो अभी, आप प्लीज पीछे हट जाओ। और जो मेरे सामने इतना सारा पसारा फैला हुआ है, इसका मतलब है कि मैं कुछ तो पैकिंग कर रही हूँ। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वैष्णो देवी 3 दिन के लिए। लाइक हम लोग कल शाम को निकलेंगे, उसके बाद 1, 2 एंड 3 नाइट को हम वहाँ से वापसी के लिए निकलेंगे। तो हमें उतने दिन के लिए पैकिंग करना है, और वैष्णो देवी जा रहे हैं तो हमको चढ़ाई करनी है। उसके लिए थोड़ी एक डेडिकेटेड पैकिंग होती है कि ऊपर जाते जाते ठंड बढ़ने लगती है तो आपको क्या क्या आपको साथ में ले जाने के लिए पैक करना होता है, वो मैं सारा वहाँ पर भी व्लॉग बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या किया। अभी के लिए मैं सिर्फ पैक कर रही हूँ, तो प्लीज़ पैक विद मी और देखते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये वाले बैग में पैक करूंगी। ये ट्रैवल बैग है अच्छा खासा, और इसमें ये व्हील्स भी है, मतलब ये बड़ा है काफी और व्हील्स भी है, तो हमें ले जाने में आसानी रहेगी। तो फर्स्ट थिंग तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, हम लोग रात में ट्रेन से यहाँ से दिल्ली से निकलेंगे और सुबह हम पहुंच जाएंगे कटरा। और हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली, एज इन की मम्मी पापा मैं अमित काना भैया भाभी और दोनों बच्चे उनके, और एक भाभी का भाई जा रहा है। तो हम लोग टोटल 7 एडल्ट्स हैं और 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे जो पैकिंग हो रही है वो हो रही है मेरी, अमित की, मम्मी पापा और कान्हा की। तो मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ और कटरा ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस हम जब ऊपर श्री माता वैष्णो देवी के भवन पर पहुँचेंगे वहाँ पर ठंडी है, तो इसलिए ठंडे कपड़े हमें रखने की ज़रूरत है नहीं। हम यहाँ से भी नॉर्मल अपने गर्मियों के कपड़े पहनकर जाएंगे और वहाँ पे भी नॉर्मल ही पहनेंगे, बस अभी ऊपर जाकर कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूँगी कैसे रखना है। सबसे पहले मैं इस बैग में रखूँगी जो कपड़े हमें सबसे एंड में काम आने वाले हैं। तो ये हमारे सारे वो कपड़े हैं जो हमें सबसे एंड में काम आने वाले हैं, ये मम्मी के, पापा जी एंड अमित, ये इन तीनों के कपड़े चले गए हैं सबसे नीचे। उसके बाद है सबके अंडरगार्मेंट्स, मतलब पापा जी अमित और मेरे, ये मैंने एक में रखे हैं। पॉलिथीन में इसलिए रख रही हूँ, पॉलिथीन से बहुत सारी रख रही हूँ, क्योंकि अगर आपको उधर से कुछ भी गीले कपड़े या कुछ भी ऐसा रख के लाना पड़े जो आपको बाकी कपड़ों के साथ या बाकी सामान के साथ नहीं करना, तो पॉलिथीन में वो सेफ रहेगा। देन दीज आर, ये है काना की सॉक्स, ये है मेरी सॉक्स, तो मैं इनको रखती हूँ बैग के पॉकेट्स में। अंडरगार्मेंट्स तो मैं बैग के पॉकेट में रखती हूँ, इस बैग के दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े पॉकेट्स हैं। देन ये है काना के और मेरे कपड़े। तो आप बच्चों के कपड़े आप फिर भी एक या दो जोड़ी आप एक्स्ट्रा लेकर चलिए, तो मैं उसी हिसाब से लेके चल रही हूँ। ये सारी अभी तक पैकिंग हुई है हमारी, वो वाली जो हमको लास्ट डे पे जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको आइटिनरी थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग जैसे कल रात में यहाँ से चलेंगे, हम परसों सुबह पहुँच जाएंगे। परसों सुबह पहुँचने के बाद हम लोग होटल लेंगे, और होटल लेने के बाद हम फ्रेश होके फिर उस दिन चढ़ाई करेंगे। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि हम जिन कपड़ों में रात में यहाँ से जाएंगे वही कपड़े हम लोग चढ़ाई करते वक्त वही कपड़े रखेंगे, हम लोग कपड़े चेंज नहीं करेंगे। और अब चढ़ाई करने के बाद जब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और रात, मतलब शाम बढ़ती जाएगी, रात होती जाएगी, तो ऊपर जाकर ठंड होती है, उसके लिए हम लोग रख रहे हैं ये थोड़े से मोटे कपड़े, मतलब 2 शॉल्स हैं ये देखिए, और 2 स्वेट शर्ट है पापा जी और अमित के लिए, और मेरा एक स्वेटर है। तो ये हमको रखने हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये वाले कपड़े अलग से ही पैक करूँ, ताकि मैं जब वहाँ पर जाऊँ होटल में ये बैग रखूँ और अपना अलग से बैग लेके और वहाँ से हम निकल जाएँ। तो ये कपड़े मैं एक अलग बैग में पैक करूँगी, तो इसलिए वो वाले कपड़े जो हमको ठंड बढ़ते के टाइम ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं इस वाले बैग में रखती हूँ। जब भी हम चढ़ाई करते हैं तो ऐसे वाले जो बैग होते हैं, जो पीछे वाले बैग पैक होते हैं, वो ले जाना बहुत आसान रहता है, और क्योंकि हम इन बैग्स को खींच कर नहीं ले जा सकते हैं, ये वाले बैग हम आसानी से पीछे टांग कर ले जा सकते हैं। तो ऊपर चढ़ाई के लिए आप एक अलग से बैग तैयार करके रखिए, जो आपको चढ़ाई के वक्त सामान चाहिए आप उस बैग में रखिए। जैसे कि मैं ये गर्म कपड़े रख रही हूँ सबसे पहले, ये हो गए। अब इसके अलावा
इन कपड़ों के अलावा हमें कुछ कपड़े चाहिए क्योंकि हम लोग दर्शन से पहले वहाँ पे स्नान करेंगे और उसके बाद हम अपने कपड़े बदलेंगे क्योंकि हम चढ़ाई सिर्फ उन्हीं कपड़ों में कर रहे थे जो हम लोग घर से पहन के गए थे, तो ऑब्वियसली हमें नए कपड़े या फ्रेश कपड़े चाहिए होंगे दर्शन करने से पहले। तो वो सारे कपड़े मैंने इस एक पॉलिथीन में रख लिए हैं, तो जो हम वहाँ पे स्नान करके ऊपर चेंज कर लेंगे वो भी मैं इसमें एज इट इज रख रही हूँ। इसमें हम चारों के कपड़े हैं, मतलब पांचों के, काना के भी हैं, हम लोग ये बैग ऊपर चढ़ाई करते वक्त कैरी कर सके। तो ये हमारा बैग रेडी हो गया है। हमारे साथ एल्डरली पेरेंट्स हैं तो वो लोग नहीं वजन कैरी कर सकते, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ये बैग रख रहे हैं जो हमें ऊपर चढ़ाई के वक्त लेकर जाना है। अब इस वाले बैग में हमें सिर्फ रखने की जरूरत है क्योंकि हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन में ओढ़ने के लिए हमें जो भी बेडशीट या फिर ब्लैंकेट पतले वाले जो चाहिए होंगे मैं वो इसमें रखती हूँ। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑल्सो ट्रेन में जरूरत पड़ने के लिए एक छोटा सा हैंड टॉवल है जो मैं इसी में रख रही हूँ, अभी बाद में इसको बाहर रखूंगी। और उस बैग के साथ एक ये वाला बैग जो कैरी बैग में रखूंगी अपने साथ, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखूंगी जो कि मुझे ऑन द वे चाहिए होगी, तो इसमें मैंने रखा हुआ है। एक्चुअली पहले तो मैं बैग के बारे में बताना चाहती हूँ, दिस बैग इज फ्रॉम चुंबक और ये बैग ना मैंने अभी मंगाया है बिकॉज मेरा एक जो इसके पहले वाला ट्रैवल बैग था ये वाला बैग, इसकी जिप खराब हो गई थी ये चेन, तो ये मैंने मम्मी को दे दिया क्योंकि मम्मी ने इसमें नई चेन लगवा ली है। ये भी 7-8 सालों तक चला, मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया था, तो ये इसमें मम्मी का सामान रहेगा। तो ये बैग मेरे को बहुत पसंद आया था और मैंने इसको 3-4 वेबसाइट पे देखा, इसका MRP था 1995 का और मैंने जब इसको चेक किया था मेरे को नायका पे पसंद आया था, बट मैंने फिर नायका, मिंत्रा और अमेजोन तीनों पे देखा, अमेजोन पे ये 1250 का पड़ा मुझे। तो इससे मैंने एक सीख ली कि जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती तो मैं कोशिश करूंगी आगे से कि मैं इसको 3-4 वेबसाइट पे चेक करूँ, उसके बाद ही मैं इसको खरीदूँ। तो ये और ये बहुत अच्छा है मतलब अंदर से भी, तो आप लोग भी ऐसे करिए, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको ज़रूर से 3-4 वेबसाइट पे चेक करिए उसके बाद खरीदिए। तो देखते मैंने इसमें क्या क्या रखा है। सबसे पहले तो बाहर वाली पॉकेट में मैंने रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, जो आजकल बहुत ज़रूरी होते हैं, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, प्लस ये है यात्रा पर्ची जो आपको भवन पे जाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन या यात्रा पर्ची लेनी होती है, वो भी हमने ऑनलाइन कर ली क्योंकि आजकल कुछ भी भरोसा नहीं है कि कब कोई चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन को वो एडमिट करें और वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में ना मिल पाए, तो ये मैंने सबसे बाहर रख लिया क्योंकि ये इसी में फिट आ रही है। देन है इस सबसे बाहर वाली पॉकेट के अंदर मैंने रखा है काना के गॉगल्स, मेरे गॉगल्स, काना की एक PCM मतलब पैरासिटामोल सिरप रखा है कि बाई चांस भी उसको कोई बुखार या कुछ हो जाए, टेम्परेचर बढ़े तो। एक हैंड सैनिटाइजर है और कुछ एक्स्ट्रा मास्क हैं जो मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ इसमें, तो ये है मेरा बाहर वाली पॉकेट में आ गया। और ये सारी ही चीज़ें ऐसी है ना जो हमको चाहिए होती है 24 आवर्स हमारे साथ जब हम लोग बाहर कहीं होते हैं तो घूमने जाते हैं, तो पहले मेरा सारा सामान इस बैग में रहता था। उसके बाद अंदर है एक ऑन द वे के लिए मैंने काना के एक जोड़ी कपड़े रखे हैं ताकि अगर बाई चांस उल्टी हो जाए उसको या फिर गीला हो जाए किसी तरीके से, तो एक ऑन द वे जो मेरे साथ हमेशा होने चाहिए, बैग ना खोलना पड़े मुझे और इसमें रहे। एक रखा मैंने अपने साथ ग्लूकोन डी क्योंकि हम लोग चढ़ाई करेंगे तो ग्लूकोन डी की जरूरत पड़ सकती है, काना को वैसे भी पसंद है, तो एक मैंने छोटा ग्लूकोन डी का पैकेट रख लिया है। उसके अलावा इसके अंदर, इस पॉकेट के अंदर मैंने रखा है कुछ कुछ मेकअप जैसे कि सनस्क्रीन, लिपस्टिक, बिंदी, कॉम्ब, एक कॉम्पैक्ट है ये सिर्फ मैंने मिरर के लिए रखा है क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं है, तो ये मैंने मिरर के लिए रखा है। और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है यार लैक में। और क्या है, मस्कारा एंड सिंदूर यही है, तो ये मैंने यहाँ इस पॉकेट में रख लिया। अलग से कोई पाउच नहीं रख रही क्योंकि मुझे कम से कम सामान रख रहा है, तो मैं इसलिए इसके लिए कुछ अलग पाउच नहीं रख रही, बस ये इसकी एक पॉकेट में सारा सामान ये हो गया, तो इसको वापस रख देते हैं। एक कॉम्पैक्ट से बैग में काफ़ी सामान आ गया और इसको लेकर चढ़ने में मुझे वजन भी नहीं लगेगा इसको लेकर चढ़ने में, तो इसको आराम से लेकर चढ़ सकते हैं। पीछे की पॉकेट में भी कुछ तो है, पीछे की पॉकेट में है कुछ कैश, एक इनो, कुछ बैंडेड्स, कुछ चोट वोट ना लगे, और एक डिस्प्री। वैसे तो मैंने फर्स्ट एड पाउच मतलब मेडिसिन पाउच अलग से रखा है, बट
ये साथ साथ रखने के लिए, ताकि चढ़ाई में मेरे को किस चीज की जरूरत पड़े तो वो मेरे साथ साथ रहे। ये है मेरा सेकंड या फिर कैरी बैग, और ये एक बैग रखा है हमने खाने के लिए कुछ कुछ चीजें इसमें, जैसे कि हम लोग यहाँ से चलेंगे तो हम लोग की शाम की ट्रेन है, हम ट्रेन का खाना नहीं ले रहे, ना तो हमको पसंद आता है, और थोड़ा सा आजकल वही वाला इश्यू है कोविड वोविड का, तो हम लोग घर से खाना लेकर जाएंगे, वो अभी पैक नहीं किया है। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जैसे आलू भुजिया और कुछ छोटे छोटे बिस्किट पैकेट मैंने इसी के अंदर रख लिए हैं। एक ये नमकीन वाला बिस्किट खाने का मन करे तो कुछ है मठरी, सॉरी नमक पारे, और ये मैंने ऐसे ऐसे डब्बों में पैक कर लिए हैं ताकि अगर ये जैसे जैसे खत्म होते रहेंगे तो हम इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। और थोड़े से चने हैं जो पापा जी ने रखाए हैं, और थोड़ी सी मठरी है। तो ये सारी चीजें भी हमने रख ली है ताकि अगर छुटकुर मुटकुर कभी भी खाने का मन करे तो हम खा सके, क्योंकि वैसे तो हम लोग जैसे होटल में लेंगे सुबह नाश्ते के टाइम पे भी हम यही करेंगे, हम कुछ हैवी खाना खाकर चढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। तो नाश्ते में हम लोग इनसे चाय वाय जो भी जिस किसी को लेना हो कॉफी, मुझे अपने कॉफी के पाउचेस रखने हैं, मैं छोटे कॉफी के पाउचेस रख लूंगी ताकि मैं उनके वही पी सकूं, गर्म पानी तो मिल ही जाएगा। और उसके बाद ऑन द वे चढ़ाई में भी हम थोड़ी बहुत ही खाएंगे, वो हम ऑन द वे बहुत सारी चीजें मिलती है खाने के लिए, हम वहीं से कर लेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर लंच डिनर जो भी हम करेंगे वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। खाने के लिए मैंने सिर्फ इतना रखा है, और डिनर के लिए हम लोग पराठे और आलू जो यूजुअल चीज होती है वो रख लेंगे। तो आई होप आपको ये मेरी पैकिंग वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे का जो भी व्लॉग है वो मैं अलग शुरू करूंगी वैष्णो देवी के, आपको पूरा मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस विद अदर पीपल जो देखना चाहते हैं या जिनको ये पसंद आएगी आपको लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।